अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम राना हाशिम अली है और मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई थी माशाल्लाह। तो पैदाइश के टाइम पे इनको डायफ्रैगमेटिक हर्निया डायग्नोज हुआ था, जिसका जिसमें ये होता है कि आपके फेफड़ों के नीचे जो पर्दा होता है उसके अंदर सुराख हो गया था। तो उस सुराख की वजह से जो छोटी आंत, बड़ी आंत और जो तिली थी वो फेफड़ों के नीचे आ चुकी थी। तो हमें फिर डॉक्टर्स ने इधर हुसैन खानी में रेफर किया। तो डॉक्टर उमर जो पेडियाट्रिक सर्जन है, हमने इनके थ्रू सारा ये प्रोसेस करवाया है और बच्चे को डे फर्स्ट से लेकर डे एंड तक बड़े अच्छे से ट्रीट किया गया है। और इसको वेंटिलेटर से, सबसे पहले तो वेंटिलेटर से इन्होंने बताया, तो वेंटिलेटर से रिकवर करने के बाद इसके हम इसकी सर्जरी की तरफ मूव किया गया। और सर्जरी करने के बाद फिर दोबारा से इसको 2 दिन के लिए वेंटिलेट किया ताकि बच्चा हमारा बेहतर रिकवर हो सके। तो हम इधर की सारी जितने भी इंतजामिया है, डॉक्टर्स हैं, उनसे बहुत सेटिस्फाइड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो बेबी है वो रिकवर हो चुका है जी। ये बच्चा हमारे पास न्यू बॉर्न बेबी था, हमारे पास रेफर हुआ था विद अ सस्पिशन ऑफ कंजेक्टल डायफ्रैगमेटिक हर्निया, लेफ्ट साइडेड डायफ्रैगमेटिक हर्निया था। जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ, एंटीनेटली डायग्नोसिस नहीं थी कंजेक्टल डायफ्रैगमेटिक हर्निया की, लेकिन जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ तो बच्चे को रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस था, सांस लेने में मसला था, जिसकी वजह से बच्चे का वहाँ पर एक्सरे किया गया। और जैसे ही एक्सरे हुआ तो बच्चे की सस्पिशन हुआ कि बच्चे को लेफ्ट साइडेड कंजेक्टल डायफ्रैगमेटिक हर्निया है। बच्चे को इलेक्टिवली इंटीबेट कर दिया गया और हमारे पास इंक्यूबेटेड हमारे पास शिफ्ट हुआ। यहाँ पे एडमिट हुआ, हमने इसका प्रॉपर वर्कअप किया, बच्चे का एकोकार्डियोग्राफी हुआ, दिल का अल्ट्रासाउंड, उसके ऊपर पल्मोनरी प्रेशर्स को देखा गया और उनको मेडिकल मैनेजमेंट के जरिए ट्रीट किया गया। और फिर प्रॉपर वर्कअप करने के बाद बच्चे को एनेस्थीजिया फिटनेस लेने के बाद और पेरेंट्स को डिटेल में काउंसिल करने के बाद बच्चे की हमने सर्जरी की। और जो लेफ्ट साइडेड डायफ्रैगमेटिक हर्निया था, सारे कंटेंट्स, बच्चे की छोटी आंत, बड़ी आंत का हिस्सा, बच्चे का मैदा, तिल्ली, सारी चीज़ें दाएं बाएं तरफ छाती के अंदर थी, उन सब को नीचे लाया गया और बच्चे का जो डायाफ्राम था उसको रिपेयर किया गया। और रिपेयर करने के बाद भी बच्चे को इलेक्टिवली प्रॉपर पैरालाइज करके वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया तकरीबन 48 घंटे के लिए, और प्रॉपर रिलैक्स करके पैरालाइज करके बच्चे को वेंटिलेट किया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको वीन ऑफ किया, फिर फीड स्टार्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और अच्छा रिकवर हुआ, फीड टाइम पे स्टार्ट हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारे पास फॉलोअप पे आया है, बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपरली एक्टिव है, सांस में कोई मसला नहीं, फीड अच्छा ले रहा है, जख्म अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। तो ये बच्चे का फीडबैक हमने कहा कि जी आपसे शेयर कर लिया जाए। हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर बच्चों का आईसीयू है जिसमें के हर सहूलत मौजूद है, और बड़े से बड़ी बच्चों की न्यूनेटल सर्जरी, नो मौलूद बच्चों की सर्जरी जो कि इमरजेंसी सर्जरीज होती हैं, उनको करने के लिए तमाम कैपेसिटी, तमाम किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स, वेंटिलेटर्स, इंक्यूबेटर्स, 24/7 नर्सेज और डॉक्टर्स, बच्चों का प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर और बच्चों के एनेस्थेटिस्ट मौजूद हैं। तो ये सारा टीम वर्क होता है जो कि मिल के किसी भी पेशेंट के आउटकम को इफेक्ट करता है और उसको उसमें आउटकम सक्सेसफुल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तमाम पीडियाट्रिक सर्जरी, न्यूनेटल सर्जरी की टीम मौजूद है और हर किस्म की सर्जरीज हम यहाँ पर बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं।